Hello students, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So today's our topic is the sentence, right? A group of words that makes a complete sentence is called a sentence. इसका means ये है कि group of words यानी कि शब्दों का समूह जो एक clear sense दे, एक complete sense दे, उसे हम बोलते हैं a good sentence. A group of words that makes a complete sense right. For example, she likes dancing. Sangeeta is going to Delhi. The sun rises in the east. Okay. तो ये अगर हम जब सेंटेंस को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इनका सेंस क्या जा रहा है? कंप्लीट एक सेंस मिल रहा है. For example, first sentence is she likes dancing. अगर यहाँ पर मैं कर दूँ dancing likes she. ठीक है. अगर यहाँ मैं कर दूँ going is Sangeeta Delhi to. अगर मैं इस सेंटेंस को लिख दूँ तो क्या ये आपको कंप्लीट सेंस देगा? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? सो इट मींस जब हम इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, लाइक इन द करेक्ट फॉर्म, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. जब हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन से किसी भी सेंटेंस को लिखेंगे, इन दैट केस ओनली इट मेक्स अ सेंस, तभी वो सेंस देगा, राइट? So, a group of words that makes a complete sentence is called a sentence or is called a good sentence also. और एक good sentence के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें चाहिए होता है subject. Subject का क्या होते हैं बच्चों? हमारे जो subject होते हैं वो होते हैं noun and pronoun. Noun you know very well, noun is the person we are talking. ठीक है. And pronoun is the word that you use instead of नाउन की जगह जो होते हैं मींस ही शी इट दे, राइट? तो नाउन यानी किसी का नाम, प्रोनाउन यानी उस नाम की जगह हम यूज करेंगे शी. लाइक अगर ये गर्ल है संगीता, तो ये अगर नाउन है तो इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगी? शी. तो शी हियर इज अ प्रोनाउन. तो नाउन और प्रोनाउन का जो होता है फॉर्म उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. इसके बाद हमारी सेकेंड नंबर पे आती है वर्ब. Like every good sentence or every sentence has a verb. बिना verb के हम कोई भी sentence frame कर ही नहीं सकते. We cannot frame any sentence without a verb. तो verb हमें चाहिए ही चाहिए. बिना verb के कोई sentence we cannot frame. Right? तो like for example in this sentence our verb is likes. And in this sentence Sangeeta is going. Is a helping verb and going is a main verb, right? आपकी helping verb भी होती है, main verb भी होती है. आप helping verb एक भी हो सकती है, ठीक है? हो सकता है कि किसी sentence में only main verb हो, like इस sentence में only main verb है, helping verb नहीं है, ठीक है? But क्या है? दो sentence है वो complete है. Verb से मतलब है helping verb भी हो सकती है, main verb भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती है. और इसमें आप देखेंगे आपका इसमें helping verb भी है और main verb. कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है, बट वर्ब का होना इट्स मैंडेटरी, राइट? तो फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज वर्ब एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट. और अगर ऑब्जेक्ट ना हो किसी सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल राम गोज, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल राम गोज. सो व्हाट इज राम हियर? राम इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड गोज इज वर्ब ऑफ द सेंटेंस. तो ये भी हमारा क्लियर मीनिंग दे रहा है कि राम जाता है, राम गोस, राम जाता है, मीनिंग क्लियर दे रहा है, ठीक है? और अगर मैं बोलूं राम गोस टू मार्केट, तो राम कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है. तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो मार्केट है वो ऑब्जेक्ट है? मार्केट ऑब्जेक्ट है? नहीं, मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है. मार्केट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. अब मुझे कैसे पता कि वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है? अब ये भी बात जरूरी है, आपको कहोगे भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, भाई सब में यही होता है, राइट? लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, बट एवरी सेंटेंस डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. दिस इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है? तो जहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा वहां पर वो होगा उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट, राइट?
बुक को कंप्लीट करने के लिए आता है। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो इसकी पहचान करने के लिए ठीक है, लाइक इन दिस सेंटेंस राम गोज़ टू मार्केट, अगर मैं इसका मुझे पता लगाना है कि यहाँ पर ये टू मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए सबसे सिंपल सी बात है आपको एक्टिव पैसिव के बारे में पता होगा। तो इसमें क्या करना है कि इस जो हमारा सेंटेंस है इसका हमें पैसिव वॉइस निकाल कर देना है। अगर इसका पैसिव वॉइस निकल के आ गया तो इसका मतलब ये हमारा वर्ड ऑब्जेक्ट है, पैसिव नहीं निकल के आया तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक फ्रेज है, राइट। तो राम गोज़ टू मार्केट, तो अगर मैं इसका बनाऊंगी तो मार्केट इज गोन टू राम, क्या मार्केट राम के पास गया था? नहीं गया था ना मार्केट राम के पास। तो इसका मतलब इसका पैसिव वाइज वी कैन नॉट फ्रेम, हम इसका पैसिव वाइज फ्रेम नहीं कर सकते। इसका मतलब मार्केट टू मार्केट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस नंबर टू पर। व्हाट इज सेंटेंस नंबर टू? शी एट एप्पल और शी एट एन टाइप, शी एट एन। अब यहां पर अगर मैं इसको लेती हूं एज एन एज अ सब्जेक्ट, एन एप्पल वॉज इटन बाय हर। अब यहां पर आप देखो बच्चों पूरा क्लियर मीनिंग क्लियर हो गया, इसका पैसिव वॉइस हमने बना लिया। शी एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया और एन एप्पल वॉज इटन बाय हर, उसके द्वारा एक एप्पल खाया गया, राइट। मीनिंग इज सेम, दोनों सेंटेंस भले ही अलग अलग है, वर्ब अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, सेंस बन रहा है सेम। इसका मैंने कैसे वॉइस फ्रेम कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर हमारा शी इज सब्जेक्ट, एट इज वर्ब एंड एप्पल इज ऑब्जेक्ट, राइट। आई होप यू ऑल हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस और दिस राइट। और इसके अलावा व्हाट इज सेंटेंस, एंड सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है, ये आपको शायद समझने आ गया होगा, नहीं समझाया तो आप रिपीट करके देखिए कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बिना इसके हम सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा थर्ड थिंग इज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री क्लूज, ठीक है, इसमें से कोई एक चीज आपकी राइट। एंड व्हाट इज सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, राइट, ओके। नेक्स्ट थिंग इज द काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अब जो सेंटेंस है, सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया क्या होता है, बट सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो द फर्स्ट इज असर्टिव, नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव, थर्ड वन इज इंपेरेटिव, एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो वी हैव फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं आप फर्स्ट नंबर पे असर्टिव, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इनके कई सारे नाम हैं, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको असर्टिव को सिंपल डिक्लेयर करेंगे कि ये कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, जिसमें सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, वो होते हैं हमारे असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, लाइक द सन राइज इन द ईस्ट, ओके, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, राइट। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं वो हमारे असर्टिव होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, हमेशा वो क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, डू यू लाइक पिज्जा, डिड यू गो देयर, ठीक है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर इनकल्केटेड इन द कैटेगरी ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, और इसके बाद हमेशा क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से भी आप पहचान कर सकते हो कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से असर्टिव में क्या लगा होगा, ओनली फुल स्टॉप, लास्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इंपेरेटिव,
imperative sentence always makes an order, advice. For example, get out, come here, okay, take medicine regular days, right? तो इस टाइप के जो ऑर्डर होते हैं, कुछ एडवाइस होती है, ठीक है, जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं या फिर आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते हैं, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, तो इस टाइप की जो एडवाइस होती है और जो ऑर्डर होते हैं, गेट आउट ऑफ माय क्लास, कम इन, ठीक है, डू योर वर्क प्रॉपरली, रिंग द बेल, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है, अंडरस्टूड होता है, इसमें इट मींस अगर मैं आपको देखकर बोल रही हूँ कि गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, ठीक है, तो मैंने आपका ना नाम लिया, ना मैंने आपको कुछ बोला, ठीक है, आपको सिर्फ आप मेरे आई कॉन्टेक्ट में आगे और आपको देखकर मेरी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको बोला है, ठीक है, तो कम इन, गेट आउट, ठीक है, डू योर वर्क प्रॉपरली, राइट, तो इसका मतलब इसमें जो आई कॉन्टेक्ट हो रहा है, आपको ये देखकर मैं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, तो इसमें जो सब्जेक्ट है, हिडन है, छुपा हुआ है, वो है यू, राइट, यू जो सब्जेक्ट है वो इसमें हिडन सब्जेक्ट है, राइट, इसलिए इसमें सब्जेक्ट प्रॉपर आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, बट वो हिडन है. नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने को मिलेगा, ठीक है, इंपेरेटिव में भी आपको फुल स्टॉप में होता है, राइट, और एक्सक्लेमेटरी में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने को मिलेगा. सडन फीलिंग एंड इमोशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे अच्छा इंडिया आप देख रहे हो, मैच देख रहे हो, इंडिया मैच जीत जाए तो एकदम से क्या फीलिंग आती है, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, राइट, तो हुर्रे, हुर्रा, उसके बाद क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी, अगर किसी की डेथ हो जाए तो आप क्या लगाते हो, ओ अलास, ठीक है, तो वहां पर हम लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क. सडन फीलिंग्स एंड इमोशन, अचानक से आपने बहुत सुंदर फ्लावर देख लिया, बहुत सुंदर गार्डन में आ गए, बहुत ब्यूटीफुल से प्लेस में आ गए और आपने बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखी, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इज दिस, राइट, ओ वाओ, व्हाट अ लवली फ्लावर इज दिस, राइट, तो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, सो नाउ वी कैन रिलेट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस. सिंपल सेंटेंसेस आर कॉल्ड Interrogative sentence always ask a question. Third is imperative sentence makes an advice or order. Exclamatory sudden feeling.